जीवन बन जाती है। वैसे तो हर एडवेंचर का अपना मजा है, पर जब एडवेंचर में भक्ति और अध्यात्म का संगम हो तो वे सफर कुछ अलग ही होता है। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच शिव के चरणों में हर पल हर कदम एक नया एहसास के साथ था। यह व्लॉग इन्हीं एहसासों की एक तस्वीर है, जहां हमने महसूस किया दर्द, मुस्कुराहट और शांति। वेलकम टू माय केदारनाथ जर्नी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था ऋषिकेश से हमारा सोनप्रयाग तक का सफर। आज हम सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले हैं। सो हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं अब जाने के लिए। सोनप्रयाग से आपको लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी जो आपको छोड़ेगी गौरीकुंड। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास हो चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं पहले पार्किंग में। जो कुछ सामान है वो हम रखेंगे कुछ गाड़ी में, और जो जरूरी सामान होगा वो लेके जाएंगे हम अपना केदारनाथ यात्रा में। तो चलिए अब चलते हैं और आगे वीडियो में मिलते हैं। तो ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये है सोनप्रयाग, ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। और यहाँ टू व्हीलर और फोर व्हीलर आपको पार्क करना पड़ता है और देन आपको लोकल टैक्सी मिलती है। तो मैं आपको बता दूंगा लोकल टैक्सी आपको कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो ले जाने वाला सामान है वो हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर तो बढ़िया है, अदरवाइज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको इधर आगे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको जीप मिलेगी जो गौरीकुंड आपको छोड़ेगी। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। अब हमने सोचा था बहुत अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, बट हमेशा ही कहानी उल्टी रहती हमारी। बोले तो आप देख सकते हैं जो जाने वाले हैं वो उस तरफ जा रहे हैं और आने वाले उस तरफ से इधर आ रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय, हर महादेव। सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड के लिए जिस टैक्सी में जाएंगे वो आपको कॉस्ट करेगी 50 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पर हमने टैक्सी स्टैंड से रुके हैं और यहाँ से उतर कर अब हम लोग निकलेंगे आगे पैदल। तो ये है गौरीकुंड जहाँ हम उतरे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब सीधा ट्रैकिंग पे अपने केदारनाथ जी की। रोड की कंडीशन में अगर बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज रोड है और जो लोकल टैक्सी होती है वही यहाँ तक छोड़ती है आपको सोनप्रयाग से। यहाँ पर हमारे भाई लोग स्टिक लेते हुए। कुछ महीने पहले बारिश और बाढ़ आने से गौरीकुंड में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस कारण जो यहाँ पर गर्म कुंड था उसमें भी नुकसान हुआ था। शर्मा गया। पर आपको गर्म पानी का कुंड मिलता है, आप नहा सकते हो और कहते हैं कि यहाँ पर नहाना ही चाहिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फिर गौरीकुंड। सो गाइज, आप मेरे पीछे गौरीकुंड देख रहे होंगे, अभी फिलहाल बंद है क्योंकि बीच में क्लाउड बस्ट हुआ था, जिस रीजन से अभी फिलहाल बंद कर रखा है। और कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए ये कुंड बनाया था उनके स्नान करने के लिए। है कि गर्म कुंड आगे है तो गर्म कुंड यहाँ कहीं नीचे होगा, बट अभी फिलहाल सारे ही बंद है। सो फाइनली गाइज, हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली है। आज जो है मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब सी है, तो लेट्स सी, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है मेरे लिए ये ट्रैक, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। बट भगवान भोलेनाथ का नाम था और उनके धाम आने की बात थी, तो मैंने ये प्लान फिर डन कर दिया। लेट्स सी कैसा रहता है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा फिर आगे वीडियो में। ये आपको गौरीकुंड का मार्केट दिख रहा होगा, तो अपनी ज़रूरत का सामान आप यहाँ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर घोड़े खच्चर या फिर पालकी वाली सुविधा भी उपलब्ध है, तो अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो आप ये मोड भी अपना सकते हैं। यहाँ से ही हमारी असली यात्रा शुरू होती है, तो चलिए इन सुंदर नज़ारों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो लगभग 16 किलोमीटर का बताया जाता है, लेकिन यदि आपकी फिजिकल थोड़ा कम रहेगी तो हो सकता है आपको ये ट्रैक थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ट्रैक कैसे करना चाहते हो। अगर आप बाई वॉक करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर और मोड अवेलेबल हैं जैसे कि घोड़ा खच्चर, पालकी या फिर हेली सेवा भी आप ले सकते हैं। सामने आपको ग्लेशियर के दर्शन हो रहे हैं भाई। हर हर महादेव। इस धूप की पहली किरणें पहाड़ों से आ चुकी हैं
और देखो कितना प्यारा लग रहा है, खिलखिलाते मीनू। 2 से 2.5 किलोमीटर कवर कर दिया होगा और चढ़ाई जो है वो नॉर्मल है अभी, क्योंकि आगे से ही चढ़ाई लगती है, फिर अभी तक तो ठीक मिलेगा रास्ता, तो आसानी से हो जाता है। पहले के 3-4 किलोमीटर जो है आपको बिल्कुल थकान नहीं लगेगी, बहुत आसानी वाला रास्ता, सीधा सीधा है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है मतलब। और हम अपने एक साथी का इंतज़ार करते हुए, वो हम में से सबसे ज़्यादा थक रहे हैं। निशु भाई ने घोड़ा ले लिया है फाइनली, आखिरकार हार मान चुके हैं, हार मान चुके हैं। अबे यार तो एक भाई तो हमारे साथ के हार मान चुके हैं और उन्होंने घोड़ा ले लिया। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता भाई घोड़ा लेना, तो जहाँ तक जाया जाएगा जाएंगे। यहाँ पर भैरवनाथ जी का टेम्पल भी है। जय हो बाबा। सुंदर सुंदर झरने आ रहे हैं इस रूट पे। जब से हमने ट्रैकिंग करी है तो पहला स्टॉप हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करते हैं। भूख लगी है बहुत तेजी से। तो बाकी कैसा लग रहा है अनुभव भाई? बहुत बेहतरीन लग रहा है, हमारे एक भाई ने घोड़ा ले लिया है। बताओ भाई। भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है गोलू भैया? हर हर महादेव। मजा आ रहा है? रोहित भैया कैसा लग रहा है? हर हर महादेव भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऊपर से ऊपर भैया का तो वैसे भी चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा चक्कर है। इट्स माय सेवंथ। ओह माय गॉड, देखो बढ़िया पराठे कर लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं फिर ट्रैक की तरफ। तो चलिए आ जाओ गाइस, कम ऑन, फॉलो मी। हर महादेव। बाकी गाइस रूट पे आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। आप लोगों को घोड़े खच्चरों से सावधान रहना है क्योंकि रास्ता ही ऐसा है और फिर कभी घोड़े इस साइड चलते हैं कभी उस साइड चलते हैं, तो आप ध्यान रखिए इस चीज का। तो जी आप जब जंगल चट्टी पहुंचोगे तो वहां तक आपको रास्ता काफी इजी मिलेगा, उसके बाद हल्की हल्की चढ़ाई हो जाती है स्टार्ट रामबाड़ा तक, और रामबाड़ा तक आपका जो ट्रैक रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा, उसके बाद फिर डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैक। अभी शुरू की ट्रैकिंग कुछ ऐसी मिल रही है, खड़ा होगा उस साइड, उधर कहीं हमें जाना है। सो गाइज अभी हम पहुंच गए भीमबली के पास में और अभी साथी भी थोड़ा अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, तो देखते हैं कहां तक कहां पर उन्हें मिलता है। रामबाड़ा यहाँ से अब 1 किलोमीटर रह गया। तो ये नीचे वाला रास्ता भी उधर ही जाएगा और ये वाला रास्ता भी हमें निकालेगा। अभी हम लोग हैं भीमबली के पास में और हमारे दो साथी हैं वो अभी हमसे थोड़ा पीछे हैं, इसलिए हम लोग उनका वेट भी कर लेते हैं। और जब भी आप ये ट्रैक करो बिल्कुल स्लोली स्लोली करना, बहुत आराम से आपका ट्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना भाई? अभी तक हमने 10-12 किलोमीटर चढ़ चुके होंगे बट कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। बाकी रामबाड़ा के पास थोड़ा सा चढ़ाई है पर वो भी कर लेंगे आराम आराम से। अब इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए हमने महसूस किया कि ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। बाबा केदार की तरफ हम अपने कदम बढ़ा ही रहे थे, अचानक रास्ते में हमें दर्शन हुए माता जी के एक दिव्य डोली के। ऐसा लगा जैसे माता अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ गई हो। इस पल ने हमारे सफर को और भी खास और यादगार बना दिया। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसको देखकर मन काफी दुखी हुआ। हम देखते हैं एक घोड़ा जो काफी बीमार था। अब ये क्लिप दिखाकर मैं कोई सहानुभूति या किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि ये बेजुबान तो सबकी मदद ही करते हैं, तो क्यों ना ट्रैक पर इन बेजुबानों के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा का उपचार जरूर होना चाहिए। तो देख रहे हो भाई वहाँ ऊपर तक हमें जाना है। सो भाई यहाँ पर थोड़ा सा हम खा रहे हैं अब एनर्जी के लिए, चले एनर्जी खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ से केदारनाथ 6 किलोमीटर है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कुछ कैंप वगैरह भी हैं।
सो अभी हम पहुंच गए हैं लिंचौली में, और यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ये कैंप साइट है यहाँ पर काफ़ी बड़ी। तो अगर आप आगे ना जाके यहाँ स्टे करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर भी। सो अभी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बाकी रह गया, तो हम काफ़ी रुकते रुकते आ रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। और यहाँ पर हमने भाई जी से काफ़ी देर बात करी और चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी, काफ़ी बढ़िया से बातें हुई। तो आप चाहो तो रुक सकते हो और अपना खाना पीना खा सकते हो यहाँ पे भी। चलो भाई मिलते हैं फिर, है ना। सो अब चलते हैं आगे की ट्रैकिंग के लिए, और अभी ऐसा डाउन मिलेगा आपको सीधा सीधा, फिर थोड़ी चढ़ाई और है, और यहाँ से वैली का नज़ारा देखो भाई। तो ये है गाइज यहाँ का घोड़ा पड़ाव, जहाँ पर घोड़े वाले आपको उतारेंगे। और हम मंदिर के बहुत करीब है गाइज, और व्यू चेक कीजिए आप, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और यहाँ नीचे और वहाँ नीचे भी आपको काफी सारे कैंप्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ आप अपना स्टे कर सकते हो। जैसे जैसे इस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, भाई अब तो थकान ऐसे मिट गई, एकदम खत्म। ये देखो यार गाइज, इसे कहते हैं जन्नत। बात भाई पानी वेस्ट नहीं करना है, 80 रुपए का एक बोतल है पानी। 80 रुपए की तुमने खुद लिया? अरे मैंने वहाँ पराठा खाया, मैं खा लेता हूँ वो बैंक का खाने के बाद सुबह भी। सो गाइज हमारे दो साथी पहले ही पहुँच गए थे। हेलो। एक हमारे भैया ये सुपर फास्ट सर्विस में आए, एक हमारे भाई थे ये पैदल ही आए। तो हम लोग भी काफी आराम आराम से आ रहे थे, और ये भाई लोग भी स्लो चल रहे थे, तो उनके हिसाब से मैं भी चल रहा था, पर मजा आ गया। ट्रैक बहुत स्लोली किया, अच्छा लगा तसल्ली से। और अब यहाँ से जाएंगे आरती देखने। गाइस ये रहेगा आज हमारा स्टे, और हमने डॉर्मेट्री जो सिस्टम है वही लिया है। तो और ये रहा व्यू भाई, अभी तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी अभी धुंध आ चुकी है यहाँ पे। क्या बोलोगे भाई, जन्नत है? जन्नत है बिल्कुल। गाइस हमारा स्टे आज मेरे से भाई लिए उसने 1200, और देख सकते हो बढ़िया है सर्विस, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। काफी बड़ी डॉर्मेट्री है, और आप यहाँ टेंट वगैरह भी ले सकते हो, होटल वगैरह भी है, बट उसमें भी थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा। अभी तो ऑफ सीजन है, मतलब ठीक ठाक रेट में पड़ रहा है। तो डॉर्मेट्री सिस्टम का इन्होंने हमें बोला 500 रुपए पर बेड बोला, तो हमने फिर वो पूरा ही लेना था, तो इसलिए हमें थोड़ा ठीक पड़ गया। इस प्राइस में अगर मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आपको पता ही है जगह, आपको मैं डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं। और मेरी तबीयत खुद खराब थी, बट मैंने बहुत ट्रैक जो है वो बहुत अच्छे से किया, और मुझे बहुत मजा भी आया क्योंकि साथ में 6 लोग थे, तो हंसते खेलते हुए बातें बातें करते हुए बढ़िया से रास्ता कट गया। मंदिर प्रांगण में तो शायद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो देखते हैं फिर अगर सुबह का क्या नज़ारा रहता है, कैसा रहता है, वो सब आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो 6:20 के आसपास टाइम हो रहा है, तो एक बार आरती देखने जाते हैं इवनिंग की, फिर मॉर्निंग का व्यू देखेंगे। फिर इनका भी गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। केदारनाथ धाम पहुंचकर श्याम की आरती का एहसास एक डीपली स्पिरिचुअल और इमोशनल मोमेंट होता है। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे हम अपने हर कष्ट को भूल गए हों। घंटियों की आवाज़ और लोगों का हर हर महादेव का जाप, पहाड़ों के बीच ये मंजर बहुत ही दिव्य व अलौकिक लगता है। मेरी आंखें बंद थी और मन एक अजीब सी शांति में था। सबके चेहरे पर एक विश्वास और भक्ति थी। यहाँ होने का अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज की ये शाम मेरी जिंदगी का एक अलग पन्ना खुल गई। ये पल हमेशा मेरे साथ रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहें। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने इवनिंग की जो आरती है वो भी देख ली है, और अभी फटाफट से थक काफी लग गया, तो सोते हैं और मिलते हैं आपको फिर सुबह।